अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वी आर एट लेक सैफ अल मुल्क आफ्टर ऑलमोस्ट 5 इयर्स। अ वंडरफुल व्यू इंडीड, प्रोवाइडेड दैट यू इग्नोर द स्मेल एंड स्टिंकिंग स्मेल हियर। और नरान से जो लेक सैफ अल मुल्क तक आने का जो रास्ता है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है, लेकिन इतना गंदा रास्ता है कि आपकी जो बॉडी की हड्डियां हैं वो हिल के रह जाती हैं। महसूस नहीं होता साडा तो इंजर पिंजर हिल गया भाई जान। सुनने में आया है कि यहाँ के ये जो जीप वाले लोग हैं ये रास्ता बनने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर लोग अपनी कन्वेंस पे आएंगे, अपनी सवारियों पे आएंगे, तो फिर ये जो जीप वाला है कारोबार, लोगों ने हजारों जीप्स बनाई हुई हैं, तो उनका बिजनेस जो है वो हिट हो जाएगा, यानी कि मुतासिर हो जाएगा, इसलिए वो ये रास्ता बनने नहीं देते हैं। तो जब इस किस्म की बातें होंगी तो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे टूरिस्ट को तो लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे इन पॉइंट्स पर। तो हाँ, मैं थोड़ी गल समझना पाया, थोड़ी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लाना, तुसी के बारे कहते हो तो फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो लोग जो है यहाँ से यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे। मैं यहाँ आने पर दोबारा विलिंग नहीं था, मैं नीचे नरान रुकना चाहता था, लेकिन दोस्त जो है वो ले आए हैं कि आप लाजमी चलें, आप अकेले यहाँ क्यों रुकेंगे, हम सारे जा रहे हैं, तो इसलिए फिर मुझे आना पड़ा है।